हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लैब टेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो विटामिन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं, इसमें ग्रुप बताया गया है विटामिन ए, डी, ई और सी, और दूसरा है विटामिन ए, डी, ई और के। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, बी, सी, डी, और विटामिन इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है आंसर नंबर बी। जो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं वह फैट सोल्यूबल अर्थात वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन जो बी और सी होता है, सिर्फ बी और सी होते हैं, वह जल पे घुलनशील होते हैं अर्थात वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के किसके लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, बी चेंजिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सी ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी एंड डी ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। तो फ्रेंड्स, विटामिन जो के होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स जो होता है वह रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए भी एक गलत आंसर है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और जो चेंजिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन वो विटामिन के इसका वर्क नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन B12 इज आल्सो नॉन एज। तो विटामिन जो B12 होता है वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है साइनोकोबालामीन, बी है मेथाइलोकोबालामीन, सी कोबालामीन एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर थर्ड का आंसर है सी, कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन इज नॉन एज। तो जो ब्रेन का फंक्शनल यूनिट जो होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है मायोग्लोबिन एंड डी है हिस्टियो साइट्स। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है आंसर नंबर सी, सॉरी बी, न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होते हैं वह बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विल्सन डिजीज ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी जिंक, सी मरकरी एंड डी नॉन ऑफ द अबव। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन नंबर ए कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आयरन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो आयरन किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन, फेरिटिनिन, ट्रांसफेरिन या फिर TIBC। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, वह है आंसर नंबर ए, हीमोग्लोबिन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन और ग्लोबुलिन अर्थात प्रोटीन से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑस्टियोप्रोसिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मिनरल्स। तो ऑस्टियोप्रोसिस किस मिनरल से होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या जिंक। तो ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है इसमें हड्डी बार बार टूटने लगता है अर्थात हड्डी कमजोर हो जाता है, और वह हड्डी की मजबूती किससे होती है, तो वह कैल्शियम से होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, वह है आंसर नंबर ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्किन, बी है बोन, सी है ब्रेन एंड डी है स्टमक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है आंसर नंबर ए स्किन। स्किन जो होती है वह सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारे बॉडी का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल काउंटर इज यूज फॉर। सेल काउंटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो
जो सेल काउंटर है फ्रेंड्स, वह सेल काउंटर जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है एच बी एस्टिमेशन, बी है डिफरेंशियल काउंट डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट काउंट, या फिर ऑल ऑफ द एवब। तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एवब। इन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेल काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच एमंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन, न्यूक्लियर स्टेन इनमें से कौन है, ईयोसिन, हिमेटोजैलिन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियर जो स्टेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वह हिमेटोजैलिन को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। स्टेन यूज फॉर कैल्शियम इज, कैल्शियम के लिए जो स्टेन यूज किया जाता है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वॉन कोसा, बी है एच एंड डी हिमेटोजैलिन एंड योसिन जो होता है, एंड जिम्सा एंड जीएमएस। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए, वॉन कोसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट विच इज फंगल स्टेन, फंगल स्टेन कौन सा होता है, जीएमएस, पीएस, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो जीएमएस और पीएस इसका क्या क्या नाम है, तो चलो अब देखते हैं। जीएमएस का यहाँ जो नाम हो जाता है वह है ग्रोकॉट मेथनामिन सिल्वर स्टेन, और जो पीएएस का होता है पीरियोडिक स्टेप सिप जो स्टेन होता है। तो फ्रेंड्स फंगल स्टेन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो ग्रोकॉट मेथामिन सिल्वर जो होता है वह फंगल स्टेन होता है, फंगल डिटेक्ट करने के लिए इस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सब स्टेन दैट रेडली इवेपोरेट आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए वोलाइटल सबस्टेंस, नॉन वोलाइटल सबस्टेंस एंड हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस एंड नॉन ऑफ द दिस, नॉन ऑफ दिस। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए वोलेटाइल सबस्टेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है इवेलुएट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या फिर डिक्रीज एचबी और मरासमस। तो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है तो वो होता है मरासमस, जो बच्चों में होने वाला माल न्यूट्रिशन का डिजीज होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये डिक्रीज एचबी लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो ब्लड प्रेशर है वो अगर बढ़ जाता है तो ये सभी हार्ट अटैक के खतरे के संकेत होते हैं, लेकिन खतरे का संकेत नहीं है। तो इसमें से सिर्फ मरासमस जो है वो खतरे के संकेत नहीं है हार्ट अटैक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ईएसआर स्टैंड फॉर, ईएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। तो जो ईएसआर होता है फ्रेंड्स उसका जो फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इलेवेटेड सीरम रूटीन, बी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड सी अर्ली सीरम राइज, एंड डी नॉन ऑफ द दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज द करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वैक्यूटेनर यूज फॉर, तो जो वैक्यूटेनर होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल एंड इन फॉर इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर बी, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए वैक्यूटेनर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सबस्टेंस हुज एक्वेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए केटियोन, बी एनियोन, सी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डी एमोर्फस सबस्टेंस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग फॉलोइंग, इनमें से सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, या फिर मिल्क, या फिर मीट, या फिर कैरेट। तो सबसे अधिक जो पाया जाने वाला है वह आंसर नंबर बी, मिल्क। इनमें से सबसे अधिक जो पाया जाता है वह मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ईएसआर एस्टिमेशन? ईएसआर एस्टिमेशंस का मेथड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेस्टर्न ग्रेन मेथड, बी ऑटोमेटेड मेथड, सी विंट्रोप मेथड एंड डी इलेक्ट्रिकल मेथड। तो इनमें से कौन सा जो होता है वह ईएसआर एस्टिमेशंस का मेथड नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर डी, इलेक्ट्रिकल मेथड। जो इलेक्ट्रिकल मेथड होता है वह इसके लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाइल्यूशन फंक्शन यूज फॉर एसी इन न्यूबोर चैम्बर। ऑप्शन नंबर ए 1:10, ऑप्शन नंबर बी 1:20, ऑप्शन नंबर सी 1:30 और ऑप्शन नंबर डी 1:40। एंड करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 21, सी ए एस ए स्टैंड फॉर, सी ए एस ए क्या स्टैंड करते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, बी है कंप्यूटर असिस्टेंट सॉल्ट एनालिसिस एंड कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ साइनोवियल एसे एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस ए फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी? इनमें से पैथोलॉजी का ब्रांच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, बी आईएचसी, सी फिश एंड डी नॉन ऑफ दिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ब्रांच जो होता है वो पैथोलॉजी के ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एफ एन एस सी स्टैंड फॉर, एफ एन एस सी का क्या मतलब होता है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नाइफ अटेंडेंस साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फैक्टर नंबर एक्टिविटी काउंट एंड डी नॉन ऑफ द एबव। एंड जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए, फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। यहाँ ऑफ भी होता है फ्रेंड्स, किंतु इसमें ऑफ नहीं लिखा हुआ है, किंतु चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ ऑफ भी आता है, एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी होता है, या फिर आप फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं एफ एन एस सी का इस्तेमाल। और इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें 21 गैस का नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एडीटीए इज यूज फॉर, एडीटीए किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीबीसी एस्टिमेशन, बी यूज्ड इन पर्पल वैक्यूटेनर एंड सी HbA1c एस्टिमेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। जो डी है वह करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट्स का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कलर कोड? कलर कोड करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है येलो क्लॉट एक्टिवेटर, बी ग्रीन सीबीसी, सी ग्रे फ्लोराइड एंड डी रेड प्लेन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर नॉट करेक्ट है फ्रेंड्स तो वह है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर बी, ग्रीन जो होता है वह सीबीसी के लिए जो है वह इसका करेक्ट कलर कोड नहीं, नॉट करेक्ट कलर कोड इसमें से है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर बी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और ऐसे ही वीडियो के क्वेश्चंस के लिए और पीडीएफ्स के लिए ज़रूर कमेंट्स करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें,
और बेल बटन के नोटिफिकेशन के आल के ऊपर जरूर क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।